Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And now I am going to discuss the concept of descriptive statistics. Okay, and the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all the students. So first of all, descriptive statistics. Okay. हम लोग ने जो इतने दिन से हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ पोजीशन, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही हिस्सा है. लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को एज ए हेडिंग के तहत हमने नहीं पढ़ा था, तो मैं सबको इसमें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. वैसा बहुत आसान है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब वो स्टैटिस्टिक्स जो जो उसके जो आंकड़ों के जो उसके अंदर डेटा है उसके डिस्क्रिप्शन में हेल्प करे, वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है. एक बार पिछले किसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बीच का अंतर भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उसको. तो शुरू करते हैं कि क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कहाँ से शुरू करें. तो कह रहे हैं कि इन टुडेज सोसाइटी डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. आजकल का जो जमाना है, जो समाज है, उसमें जो हम निर्णय लेते हैं वो आंकड़ों के आधार पर लेते हैं. आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू करेंसी, ये सब बोला जाता है. मतलब डेटा इतना ज़रूरी है. मोस्ट साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स प्रोड्यूस डेटा एंड द एनालिसिस ऑफ दीज डेटा एंड ड्रॉइंग यूजफुल कंक्लूजन फ्रॉम देम बिकम वन ऑफ द सेंट्रल इश्यूज. वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक और जो इंडस्ट्री हैं, जो औद्योगिक अध्ययन हैं और जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो डेटा उत्पन्न करते हैं, आंकड़े उत्पन्न करते हैं और उन्हीं आंकड़ों के विश्लेषण से हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं. और यही आजकल का सबसे मुख्य मुद्दा है, यही चल रहा है. द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न. फिर जब हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की थी कि सांख्यिकी है क्या, तो सांख्यिकी का लेना देना है एक वो वैज्ञानिक अध्ययन है. किसका? कि हम कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें, एनालाइज करें और उन डेटा और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करें. यही तो स्टैटिस्टिक्स है कि हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उनको संगठित रूप से व्यवस्थित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षों पर पहुंचते हैं. क्योंकि सिर्फ आंकड़े कुछ नहीं कहते, आपको उसको कहीं ना कहीं कैटेगराइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और यही साइंस स्टैटिस्टिक्स है. स्टैटिस्टिकल मेथड्स हेल्प अस टू ट्रांसफॉर्म डेटा टू नॉलेज. जो ये सांख्यिकीय विधियाँ हैं वो क्या करती हैं, आंकड़ों से ज्ञान उत्पन्न करती. मतलब आंकड़े अपने आप में कुछ नहीं कह रहे हैं, पर आंकड़ों से क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष को जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वही स्टैटिस्टिकल मेथड्स का काम है. स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स इनेबल अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ए डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट्स, एड सब्सटेंस टू डिसीजंस एंड रिड्यूस गेसवर्क. जो ये सांख्यिकीय हमारे संप्रत्यय हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमसे हमको मतलब समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं और गेस वर्क को रिड्यूस करते हैं. मतलब वो बता पाते हैं तरीके से, डेफिनेटली एक एक मतलब एक उसके साथ एक बल के साथ कि ये ऐसा है, गेस वर्क को रिड्यूस करते हैं. द डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टेम्ड फ्रॉम द नीड टू प्लेस नॉलेज मैनेजमेंट ऑन ए सिस्टमेटिक एविडेंस बेस. अर्लियर वर्क्स ऑन स्टैटिस्टिक्स डेल्ट ओनली विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स. तो कह रहे हैं कि जो शुरुआती काम थे स्टैटिस्टिक्स में वो केवल और केवल यही था कि हम डेटा को कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें और प्रेजेंट करें टेबल और चार्ट के फॉर्म में. बट अब वो बहुत ज़्यादा आगे व्यवस्थित, संगठित और परिष्कृत हो गया है. तो ये तो स्टैटिस्टिक्स का मामला है. अब स्टैटिस्टिकल अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी डिसिप्लिन. है ना, सभी में हमको पढ़ना है. आप सोशियोलॉजी मतलब जहां भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जहां भी डेटा है वहां स्टैटिस्टिक्स यूज होगी. चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बायोलॉजी हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जियोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, कोई भी फील्ड साइंस और इंजीनियरिंग का, उसमें जैसे ही आंकड़ों की बात आएगी वैसे ही स्टैटिस्टिक्स की बात आएगी. द फर्स्ट ऑफ दीज इज टू असिस्ट अस इन डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज. ये स्टैटिस्टिक्स हमको एक्सपेरिमेंट करने में, सर्वे करने में हेल्प करती है. वी डिजायर अवर एक्सपेरिमेंट्स टू यील्ड एडिक्वेट आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट प्रॉम्प्टेड द एक्सपेरिमेंट और सर्वे. ये हम चाहते हैं कि जो हम एक्सपेरिमेंट करें उससे हमें पर्याप्त सही जवाब मिल सके उन क्वेश्चंस के जिसके लिए हमने वो एक्सपेरिमेंट और सर्वे किया है. We would like to the answers to have good precision without involving a lot of expenditure. तो कह रहे हैं कि दो तरीके से स्टैटिस्टिक्स हमको मदद करती है. एक तो ये कि हम ये चाहते हैं कि हम जो निर्णय पे पहुंच रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सटीक हो, है ना. और दूसरा ये कि
कि जो स्टैटिस्टिक्स हमको मदद करती है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, डिस्क्राइब करने में, समराइज करने में और डिस्प्ले करने में. तो ये वाला हिस्सा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है. कौन सा? जिसमें कि वो हमको आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों का वर्णन, आंकड़ों को सारांश रूप में व्यवस्थित करना, आंकड़ों को डिस्प्ले करना, इन सब में जो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है. वर्णनात्मक सांख्यिकी, वो सांख्यिकी का वो हिस्सा जो आंकड़ों के वर्णन में यूज हो रहा है. और जहाँ हम इन्फरेंस निकालने की बात करते हैं, जहाँ हम कुछ प्रिडिक्ट करने की बात करते हैं, जहाँ हम कुछ भविष्यवाणी करने की बात करते हैं, जनरलाइज करने की बात करते हैं, वो हिस्सा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का है. जहाँ हम कुछ इन्फरेंस निकालते हैं, कह रहे हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स इज इन ड्रॉइंग इन्फरेंसेज एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा. हम कहते हैं कि इस डेटा के आधार पर ये निर्णय पे पहुंचे, ये हमने इन्फरेंस ड्रॉ किया, ये हमने प्रिडिक्शन किया, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है. बाकी सारा हिस्सा जहाँ आप डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है. अब हमने जितना कुछ पढ़ा है अभी तक वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही हिस्सा है. तो अगर हम शुरू करें कि डेटा से शुरू करें कि डेटा का ही आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो डेटा को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. जैसे क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा. तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? आर ऑब्जर्वेशंस बेस्ड मेजर्ड ऑन ए न्यूमेरिकल स्केल. नॉन न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन ओनली बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज आर सेड टू बी क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटा. वो कह रहे हैं कि डेटा या तो क्वांटिटेटिव होगा, मतलब उसमें परिमाण होगा, या क्वालिटेटिव होगा जिसमें नंबर्स नहीं होंगे. तो क्वालिटेटिव वाले को कैटेगोरिकल भी कहते हैं, और जो क्वांटिटेटिव है वो न्यूमेरिकल स्केल पे होता है. बार बार ये स्केल की बात आती है, आप उसको दोबारा से सुनिए कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल क्या था. तो नॉमिनल स्केल क्या था? जहाँ पे सिर्फ नाम से काम चल जा रहा है कि कुछ नाम है, जैसे क्लास में बच्चों के कुछ नाम, तो वो क्या है? न्यूमेरिकल स्केल. हमको ये नहीं पता चल रहा है एक नाम दूसरे नाम से कहाँ है, क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या संबंध है, ये सब नहीं पता चल रहा है. तो ये न्यूमेरिकल स्केल है. और बाकी क्वालिटेटिव डेटा जो है वो जनरली किस पे होता है आपका? क्लासिफाइड इन टू वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज आर सेड टू बी क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल. फिर कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव डेटा को भी आप फर्दर नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा में कैटेगराइज कर सकते हैं. देखिए, नॉमिनल डेटा का मतलब सिर्फ नाम से मतलब है कि कुछ आपको संख्या पता है, बस वो नॉमिनल हो गया. लेकिन ऑर्डिनल डेटा का मतलब आपको उनका ऑर्डर भी पता होगा कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है. डेटा कैरेक्टराइज एज नॉमिनल हैव डेटा ग्रुप्स दैट डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक ऑर्डर. नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं, कौन ऊपर है कौन नीचे उससे कोई मतलब नहीं, किसी को भी आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं. जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी स्टेट नेम्स और नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और कोर्सेज बाई नेम. जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ राज्यों के नाम दिए हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, कुछ कोर्सेज के नाम दिए हैं, तो उनका क्या ऑर्डर है आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए. लेकिन जो ऑर्डिनल होता है उसमें वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, या तो वो बढ़ता हुआ क्रम होगा या घटता हुआ क्रम होगा. वन एग्जाम्पल वुड बी इनकम लेवल्स. जैसे मान लीजिए इनकम का लेवल है, तो इनकम का लेवल होगा ना कि 5,000 से कम, 10,000 से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा, इस तरह से. तो आप उसको घटते या बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो वो ऑर्डिनल डेटा है. जहाँ सिर्फ नाम दिए गए हैं वो नॉमिनल डेटा है. ठीक है, तो थोड़ी सी बात डेटा की, थोड़ी बात सैम्पलिंग की. हमने सैम्पलिंग पर अभी तक आपसे बात नहीं की है, सैम्पलिंग को अलग से कवर करना है. पर चूंकि डेटा है, आप क्या करते हैं, बार बार हमने ये बात की है कि पॉपुलेशन से हमको डेटा निकालना है, पॉपुलेशन से हमको सैंपल निकालना है. तो पॉपुलेशन से सैंपल निकालने का तरीका सैंपलिंग है. ये बहुत सारा था, इसको थोड़ा सा छोटा फॉन्ट हो गया होगा, लेकिन आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ये कह रहे हैं कि ए सैंपल इज ऑब्टेन बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओनली सम मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन. हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, तो हम उसमें से थोड़े से सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं. तो क्या होना चाहिए? अ गुड सैंपल मस्ट रिफ्लेक्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो एक अच्छा सैंपल वो होना चाहिए जो पॉपुलेशन की सभी गुणों को, सभी विशेषताओं को अपने अंदर रखे. सैंपल्स कैन रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन विद डिफरिंग डिग्रीज ऑफ प्रिसीजन. और सैंपल क्या होते हैं कि वो पॉपुलेशन की सभी गुणों को अपने अंदर रखते हैं. ये हो सकता है कि कोई बहुत बढ़िया सैंपल आपने चुना, कोई उतना अच्छा नहीं चुन पाए. अ सैंपल दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स इट्स पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. वो सैंपल जो अपने पॉपुलेशन की सभी गुणों को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है उसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहा जाता है. मतलब वो प्रतिनिधित्व कर रहा है पॉपुलेशन का. ए सैंपल दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड अ बायस्ड सैंपल. और वो सैंपल जो अपनी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है उसको बायस्ड कहते हैं. मतलब वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है. अ सैंपल सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन इज कॉल्ड अ सिंपल रैंडम सैंपल. सबसे ये आसान सैंपलिंग है, सबसे ज्यादा पॉपुलर सैंपलिंग है, जिसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं. मतलब कि पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल या हर जो भी उसके अंदर एलिमेंट है उसमें इक्वल
प्रोबेबिलिटी है कि वो सेलेक्ट किया जा सकता है, तो उसको रैंडम सैंपल कहेंगे। ये कुछ हैं, बाद में इसको आराम से किसी दिन कभी और डिटेल में कवर कर लेंगे। फिर कह रहे हैं कि इक्विवेलेंटली ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज एन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसमें हर सैंपल मतलब पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का चांस है कि वो सेलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये तो रैंडम सैंपल हो गया। फिर सिस्टमैटिक सैंपल किसको कहते हैं? अ सिस्टमैटिक सैंपल इज अ सैंपल इन विच एवरी केथ एलिमेंट इन द सैंपलिंग फ्रेम इज सेलेक्टेड आफ्टर ए सूटेबल रैंडम स्टार्ट फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। सिस्टमैटिक में क्या करते हैं कि पहला सैंपल तो आपने रैंडम सैंपलिंग के तहत चुन लिया, लेकिन उसके बाद आपने चुन लिया कोई भी कि उसके बाद हर 11वां सैंपल लेंगे या हर 25वां लेंगे, 50वां लेंगे, कोई सा भी केथ एलिमेंट, कोई सा भी जो आपने चुना है, तो ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गई। फिर अगर वी लिस्ट द पॉपुलेशन एलिमेंट्स इन सम ऑर्डर एंड चूज द डिजायर्ड सैम्पलिंग फ्रैक्शन, हम ये भी कर सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ले लें, हर ए बी का लेंगे, हर बी सी का लेंगे, कुछ भी लेंगे ना। फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपल किसको कहते हैं? देखिए, आपके सैंपल में अगर मेल फीमेल दोनों हैं, रूरल अर्बन दोनों हैं, इस तरीके की कैटेगरी है अगर आपके पॉपुलेशन में, तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेटिफाइड मतलब आप उसमें स्तर बना दीजिए कि इतने मेल में से लेना है, इतना फीमेल में से लेना है, वरना क्या हो सकता है कि सैंपल में सारे मेल आ जाएं या सारे फीमेल आ जाएं, या दूसरा वाला जो कैटेगरी वो बहुत कम रिप्रेजेंट हो, इसलिए हमको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमैटिक सैंपलिंग एंड इज डिजाइन टू ऑब्टेन ए मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बट एट द कॉस्ट ऑफ ए मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। यानी स्ट्रेटिफाइड जो स्तरीकरण आपके सैंपलिंग का तरीका है, ये थोड़ा सा सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक से बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया। अब आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? द सैम्पलिंग यूनिट कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड क्लस्टर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफिकल हिस्सा है, हमने मान लिया कि इस हिस्से को ले लेंगे, इस हिस्से को ले लेंगे, इस हिस्से को ले लेंगे, तो ये जो क्लस्टर्स को ले रहे हैं इंडिविजुअल की जगह, तो ये क्लस्टर हो गया। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया सैम्पलिंग, इसीलिए इसको एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे भी हमने सैम्पलिंग के कुछ ही आपसे क्या डिज़ाइन डिस्कस किए हैं। सैम्पलिंग बहुत तरीके की होती है, इसमें भी होता है कि कौन सी क्वालिटेटिव में चलती है, कौन सी क्वांटिटेटिव में चलती है, तो वो बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये बताने का तरीका कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेटा से रिलेटेड है ये। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देखिए आपके कोर्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? डेटा ऐसे देखने से समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो समझ में आता है कि ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या उसका हिसाब किताब है, क्या कोरिलेशन है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें भी कुछ कुछ नाम है, उनको सिर्फ मैं ऐसे ही जनरली जल्दी से आपको बताऊंगी कि द सोर्स ऑफ अवर स्टैटिस्टिकल नॉलेज लाइज इन द डेटा। जितना भी स्टैटिस्टिकल नॉलेज का स्रोत है वो डेटा में है। वंस वी ऑब्टेन दी सैम्पल डेटा वैल्यूज, वन वे टू बिकम एक्वेंटेड विद देम इज टू डिस्प्ले देम इन टेबल्स और ग्राफिकली। जब हमको डेटा मिल जाता है तो हम उसको सारणीबद्ध कर दें या ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो वो समझ में आता है। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि मोस्ट कॉमन ग्राफिकल डिस्प्लेज क्या है? फ्रीक्वेंसी टेबल बना दीजिए, पाई चार्ट बना दीजिए, बार ग्राफ बना दीजिए, परेटो चार्ट एंड हिस्टोग्राम। तो सब A group of bars whose heights represent the frequencies of respective categories is called a bar graph. Bar graph किसको कहते हैं? कि ऐसे लंबा लंबा ऐसे बार बन जाता है ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस साल में इतनी जनसंख्या थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, बढ़ता हुआ घटता हुआ समझ में आ रहा है। पाई चार्ट किसको बनाते हैं? जब एक सर्कल लेते हैं आप और उसमें कुछ हिस्सा 20% हिंदी मीडियम है, 25% इंग्लिश मीडियम है, तो वो बिल्कुल देखने से पता चलता है, और अलग अलग कलर्स में आप कर देते हैं तो वो पाई चार्ट समझ में आता है, एकदम देखने से पता चलता है कि किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल इज अ टेबल दैट डिवाइड्स अ डेटा सेट इनटू अ सूटेबल नंबर ऑफ कैटेगरीज, है ना। फ्रीक्वेंसी टेबल आप बना सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी कौन सी टेबल में कितना हिस्सा कवर हो रहा है, जिस हिसाब से वो पता चल जाएगा कि अच्छा मतलब ज्यादा हिस्सा है कि कम हिस्सा है। उसी तरह से हिस्टोग्राम्स होते हैं। हिस्टोग्राम्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज किए जाते हैं। ए हिस्टोग्राम कंप्रेसेस अ डेटा सेट इनटू ए कॉम्पैक्ट पिक्चर दैट शोज द लोकेशन ऑफ द मीन एंड मोड्स ऑफ द डेटा एंड द वेरिएशन इन द डेटा स्पेशली द रेंज, ये सब है। ठीक है, तो ये आप आराम से अपने आप से समझ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं, सिर्फ याद रखना है कि बार ग्राफ इसको कहते हैं, हिस्टोग्राम इसको कहते हैं, पाई चार्ट इसको कहते हैं, हर किताब में दिया हुआ है, सिर्फ बताने के लिए आपको कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि ये डेटा का वर्णन कर रहा है। ओके,
अब जो चीजें हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे उसके टाइप्स लिखे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ लिया कि वो मापें जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो सेंटर की ओर केंद्रित होना चाहती हैं, मीन मीडियन मोड पढ़ चुके हैं हम लोग, माध्य माध्यिका और बहुलक। फिर क्या, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ये पता नहीं चलता कि डेटा कितना वेरिएशन शो कर रहा है, कितना वो दूर है माध्य से, कितने उसमें आउटलेयर्स हैं, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है डेविएशन, कि डेटा कितना विचलित है, मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड मतलब माध्य विचलन, मानक विचलन, चतुर्थांश विचलन और परास, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर मेजर्स ऑफ पोजीशन, इससे भी ये नहीं पता चलता है कि डेटा पोजीशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन क्या है, मतलब उसके सापेक्ष कितने लोग ऊपर कितने लोग उससे नीचे हैं, तो कितना कितने प्रतिशत, तो उसके लिए परसेंटाइल हर 100 में, डिसाइल हर 10 में, क्वार्टाइल उसके हर चतुर्थांश में और परसेंटाइल रैंक, ये भी हम लोगों ने बात कर ली है। फिर मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, फिर जो डेटा है उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कैसे कोरिलेटेड हैं, क्या पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, या कोई कोरिलेशन शो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमको कोरिलेशन पढ़ना पड़ता है। और हम लोगों ने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए, जैसे स्पीयरमैन्स रैंक, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, बाईसीरियल कोरिलेशन, पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन, इसको अलग से मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ आपको, आपने सब पढ़ लिया है। और इस तरह से ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा कवर होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि वो स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़ों के डिस्क्रिप्शन में, आंकड़ों के क्लासिफिकेशन में, आंकड़ों के एनालिसिस में, आंकड़ों के डिस्प्लेइंग में हेल्प करती है, वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। और वो जो हमको प्रिडिक्शन में हेल्प करती है, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये एक अलग से होलिस्टिकली कवर नहीं किया था मैंने। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप खुद पढ़िए, वो बहुत आसान है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको देख के बनाना है कि ग्राफ पे कैसे एक्स एक्सिस ली जाती है, कैसे वाई एक्सिस ली जाती है, किसको बार ग्राफ कहते हैं, किसको हिस्टोग्राम कहते हैं, दैट्स इट। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट टू यूनिट्स ऑफ योर कोर्स एंड रिमेनिंग यूनिट्स आई हैव कवर्ड प्रोग्रेसिवली। Okay, I will cover progressively. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.